चलिए सर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहने वाला है कि फायदा है तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करिए, नुकसान है तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करिए। अब आपको सोचना है कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से फायदा और नुकसान है। एक और सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये भी। हमें इस चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए ना तो समझना क्या है इनके लैंग्वेज। मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ सिर्फ आपके इसके लैंग्वेज को समझा सकूँ, और कोई दूसरा रीजन बचता नहीं क्वेश्चन करने का। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो आप भी सेल्फ कर सकते हो। तो सर क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है पहले से, एसेट्स और लाइबिलिटी। कहता है ड्यू टू हैवी लॉस, बहुत लॉस के कारण द फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन एग्रीड, मतलब बहुत भारी नुकसान चल रहा था काफी समय से और हमने अब डिसाइड किया कि हम क्या कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कहता है टू मेक एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर टू फुल्ली पेड देन रिड्यूस टू 20 ईच। कहने का मतलब है जो सर पहले से ही आपके पास इक्विटी शेयर है ना उसको पहले फुल्ली पेड अप बनाइए। तो देखिए 100 रुपये का था और 60 रुपये पेड अप था, तो आप ध्यान दीजिएगा 10,000 पे 40 रुपये और मांगना है। तो पहली एंट्री क्या करने वाले हैं हम, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा अब सर, सर 10,000 शेयर है और फाइनल कॉल के लिए 40 और मंगवा लेना चाहिए, दैट इज 4 लाख। इसके बाद क्या होगा सर, बैंक में पैसे आ जाएंगे। बींग पे फोकस नहीं कर रहा मैं, आपको पता है फाइनल कॉल की क्या करना चाहिए, सिंपल है, बींग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, बैंक में पेमेंट आ जाना है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला कि इसको रिड्यूस कर दो, कहां तक कर दो रिड्यूस, 20 रुपए तक। रिड्यूस टू शब्द है, लास्ट क्लास में बताया था टू का मतलब अब 20 का हो गया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले ओल्ड वाले इक्विटी शेयर को डेबिट कर देंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन बच्चा बताएगा ओल्ड इक्विटी शेयर कितना है, नंबर नहीं अमाउंट बताना, ओल्ड इक्विटी शेयर कितना है बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। जल्दी बताइए, बच्चे कह रहे हैं 2 लाख, 6 लाख। सर ओल्ड इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में 6 लाख है, लेकिन याद करिए 4 और भी मंगवा लिए तो टोटल कितने हो गए, तो आपको पुराने इक्विटी शेयर को डेबिट करना पड़ेगा 10 लाख से, और आपने न्यू इक्विटी शेयर प्रॉमिस किया कि मैं आपको नए वाला इक्विटी शेयर दूंगा साहब, तो नए वाला जो बता रहे थे ना बच्चे 2 लाख वो सही होगा, नए वाला 20 रुपए के हिसाब से, तो नए वाला 2 लाख होना है। और फायदा ही फायदा, कितना फायदा, 8 लाख रुपए का फायदा तो चला गया रिकंस्ट्रक्शन में। पहली क्लास में बींग वगैरह लिखवाया था मैंने इसका, के इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू, वही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सर एक एडजस्टमेंट डन। दूसरा टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर बाय इशू 6,015% डिबेंचर। जब आ जाए ना शब्द डिबेंचर होल्डर तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, वहां पे इंटरेस्ट के साथ उसका मतलब होता है। अगर मैं बोलूं डिबेंचर वालों के पैसे रिटर्न करिए तो सिर्फ डिबेंचर का पैसा, डिबेंचर होल्डर में इंटरेस्ट भी होता है, तो क्या यहां इंटरेस्ट है या नहीं है चेक कर लेते हैं। तो यस सर और यस सर, यानी इनका अगर मैं ड्यू बताऊं तो 8 लाख ये प्लस 80,000, यानी इसको देना था 8,80,000 रुपए देना, इसको डिस्चार्ज करा और मैंने बोला ले भाई तू 6,100 रुपए वाला एक फ्रेश 15% वाला डिबेंचर दे रहे हैं, पहले तेरे को कितना मिलता था 10, अब परसेंटेज बदल देंगे। तो यानी सबसे पहले तो मैं ओल्ड वाला डिबेंचर कर दूं डेबिट, 10% डिबेंचर खत्म करो उसको, कितना है ओल्ड वाला, इंटरेस्ट को भी खत्म करो,
कितने हैं? नए डिबेंचर दो भाई साहब इसको, कितने परसेंट वाला? 15% वाला डिबेंचर कितने दोगे? सर आपको कैसे पता चला? कह रखा है ये तो, समझ में आया? और टू फायदा ही फायदा, कितना? 8.80 के बजाय 6 लाख दे दिए, 2.80 तो कहां चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में 2 लाख लीजिए सर, हो गया ठीक है। थर्ड कहता है पे 3 लाख रुपए, पे कहता है 3 लाख रुपए टू मिस्टर यादव, वन ऑफ द क्रेडिटर। इसका मतलब सर ये क्रेडिटर तो ढेर सारा है, इसमें से वन ऑफ द क्रेडिटर कह रहा है, मतलब इसमें से कोई एक क्रेडिटर रहा होगा। वन ऑफ द क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फेक्शन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को फुल सेटिस्फेक्शन मतलब पूरा देते हुए अलॉट 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 रुपीज ईच एट पार डिस्चार्ज द रिमेनिंग क्रेडिटर। कहता है भैया जो भी क्रेडिटर था ना, हमने इसका निपटारा देखो कैसे किया। यहां देखिएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन के तो स्पेस को सेम ही रखते हैं विजुअलिटी के लिए, है ना? यहां बनाते हैं। कहने का मतलब भैया क्रेडिटर कितना था, देखो इंक्लूडिंग मिस्टर यादव 8.50, तो सर 11,50,000 का क्रेडिटर है, जिसमें से यादव भाई साहब, यादव भाई साहब का कितना है? 8.50। तो बाकी बचे हुए का कितना होगा? 3 लाख दूसरा कोई होगा। बोला कि 3 लाख रुपए पे कर दो, पैसा दे दो 3 लाख रुपए किसको? भैया इसको 3 लाख दे दिया, यहां फायदा ही फायदा, कितने का समझे? और जो बच गए कौन? बच गए, बच गया कौन? रिमेनिंग। इसके बारे में क्या कह रहा है? इसके बारे में कह रहा है जो बच गए उसको अलॉट कर दो, मतलब अलॉट का मतलब दे दो 15,000 फ्रेश इक्विटी 20 रुपए वाला एट पार। ओके, तो इसका मतलब 15,000 इंटू में 20, तो देखा जाए तो 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। तीन थे बचे हुए, उसको मैंने कितना दिया? 3 दिया। एंट्री देखिए, क्रेडिटर हटा देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से? 11,50,000। बैंक से पैसा दे दो, कितना देने वाले हो? 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो, कितना देने वाले हो? बाकी फायदा हो गया जो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, कितने? 5,50,000। किसी बच्चे को डाउट? बींग क्या होगा सर? बींग वही होगा आपका क्रेडिटर पेड या क्रेडिटर डिस्चार्ज। 2.80, गुनगुन ने सही जवाब दिया सर, 2.80। किसका 2.80 दिया मुझे? अभी तक तो 2.80 है ही। अच्छा अभी वहां पे है। आप बताइए फटाफट, किसी का कोई डाउट इसमें? ये समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो एंट्री करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एंट्री समझ में आ गई, क्योंकि सवाल में घुमाया इसने, बोला भैया क्रेडिटर हमारा कितने का है? देखिए सवाल में, आप सवाल को पढ़िए पहले। सवाल में कहता है हमारे पास क्रेडिटर कितने का है? 11,50 का। सर कैसे पता चला? ये देखो, और यहीं पे ब्रैकेट में कह देता था इसमें 8.50 इंक्लूडेड है ना? 8.50 इंक्लूडेड है, तो भैया 8.50 यादव का अलग कर दिया, और बाकी देखा किसी दूसरे का कितना होगा, तो बोला इसको तो 3 लाख ही दो तुम क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब भैया तेरे को 3 देंगे, बाकी कुछ हिसाब किताब लेना देना बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बाकी 5,50 इसको देना ही नहीं है, तो फायदा है। बाकी जो बच गया उसको 3 लाख के इक्विटी शेयर कह दिए इसने कि अलॉट कर दो, तो ये दे दिया। जनरल एंट्री क्रेडिटर खत्म, बैंक से 3 लाख रुपए यादव जी को दे दिया,
इसके बाद इक्विटी शेयर 3 लाख के बाकी वालों को दे दिया और फायदा पहुंच गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के, कोई दिक्कत। क्लियर? अगली लाइन को पढ़ते हैं। सर द अमाउंट ऑफ अवेलेबल यूज टू राइटिंग ऑफ नेगेटिव बैलेंस सरप्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गुडविल अकाउंट कंप्लीटली एंड द रिड्यूस द अदर फिक्स एसेट्स बाय 5 लाख। बोला गया भैया एक काम करना है, यहां पे जो आपके नेगेटिव बैलेंस है उसको राइट ऑफ करो, गुडविल को जीरो करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जीरो करो और सरप्लस को जीरो करो। जो ये नेगेटिव वाला है कहां गया, ये रहा, इसको खत्म करो और एसेट्स को रिड्यूस कर दो 5 लाख से। सर एसेट्स था कितने का, 6-10 का, और उसको कह रहा है 5 लाख रुपए से कम कर दो। तो ये सारा लॉस वाला एंट्री हो गया एक तरीके से। लास्ट में कहता है पास जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट सीखा हुआ ही है, बैंक अकाउंट भी बनाना है पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। समझ में आई बात आपको? तो एक अगली एंट्री हम ये सारा राइट ऑफ करते हैं अगले पेज पे। तो क्या क्या राइट ऑफ करना है, तो यहां पे क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बताओ बिल्डिंग। चलिए सर बिल्डिंग को 5 लाख से कह दिया मैं 5 लाख। सर P&L कितने का था चेक करो, 10 लाख। तो माइनस का ही तो था, क्रेडिट तभी तो आया है। अरे आ गया हम तो साहब, अब गुडविल कितने का, 90 का और प्रिलिमिनरी 20 का, तो 90 और 20 टोटल कर लो 15 लाख, 16 लाख 10 हजार। एक एंट्री और पास करना पड़ता है हमें, वो सबसे लास्ट में, कौन सी वाली, कैपिटल रिजर्व वाली। उसके लिए आप या तो माइनस प्लस करके देख लो या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो। सवाल में कह ही रखा है रिकंस्ट्रक्शन बनाने को, तो बना लेते हैं। सवाल में कह रखा है रिकंस्ट्रक्शन। सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और ये सवाल ना पता है एग्जाम में आधे घंटे से पहले हो जाता है, फटाफट हो जाता है ये सवाल। अभी देखो मेरे को सवाल आज करेंगे 2-3 सवाल फटाफट। चलिए सर इस साइड में क्या आएगा, सर बाय साइड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय साइड में आएगा क्रेडिटर, बाय साइड में आएगा डिबेंचर, बाय साइड में आएगा और क्या आना था, चलो टू साइड में आएगा बिल्डिंग, टू साइड में आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू साइड में आएगा गुडविल और टू साइड में आएगा बिल्डिंग, तो लिख ही दिया फिक्स एसेट्स का बिल्डिंग ही है, गुडविल प्रिलिमिनरी हो गया 1, 2, 3, 4, यहां तो 3 ही है, क्या रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस। सर 5 लाख नहीं, पांच लाख, 10 लाख और 90 हजार और 20 हजार। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल का फायदा बहुत मोटा फायदा हो गया, क्रेडिटर का फायदा है 5,50,000, 2,80, और भी कोई फायदा है, बस। चलिए टोटल किसका ज्यादा है, इस साइड का
आठ पांच 13 और 2 16 20। और कई बार है ना दोनों साइड बराबर हो जाता है। टू कैपिटल रिजर्व 20,000। एक एंट्री और क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व 20,000। बैलेंस शीट बचा तो मैं बैलेंस शीट इसी में मॉडिफाई करने जा रहा हूं। मैंने, आप चेक करोगे ना, बैलेंस शीट मैंने जो बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनके फोल्डर में डाल दिया अलग से बैलेंस शीट फॉर्मेट। पहले आप अगली क्लास में उसे नोट करोगे फिर आपको समझ में आएगा, या आप पहले पढ़ोगे तो जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ जाएगा। तो सर चेंजेस क्या करना है, अब जो इक्विटी है ना कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा हमारा डिबेंचर कितना हो जाएगा, इधर देखिए सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज रह जाएगा, सर क्रेडिटर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं जीरो हो जाएगा ये भी, सर गुडविल क्या होगा, सर एसेट्स क्या हो जाएगा, सर इन्वेंट्री 4 लाख ही रहने वाला है, ट्रेड डेटर 5-60 ही रहेगा, और ये हो जाएगा जीरो। समझ रहे हो, बस बैंक के बैलेंस के अंदर प्लस होगा। यहाँ बैंक दे नहीं रखा क्योंकि आपने 4 लाख रुपए मंगाया था, तो ओवरड्राफ्ट यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा सर, बैंक आ जाएगा 3.50। कितने बच्चों को समझ में आया मैंने शॉर्टकट करा, और एक पेमेंट भी किया था भूल गया, ये तो 3-1 को पेमेंट किया। मैं यहाँ बैंक का हिसाब किताब समझ, बैंक अकाउंट बनाते हैं आपके लिए, चलो बनाना ही है तो बनाते हैं आपके लिए। ये लीजिए बैंक अकाउंट, साहब बैंक अकाउंट देखिए आप, सबसे पहले बैंक में बैलेंस है नहीं, बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं तो बैंक में बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट तो है, तो बैलेंस बीडी यहां से शुरू होगा, ओवरड्राफ्ट 50 का था, इधर से पेड करते जाओ, सॉरी इधर से रिसीव करते जाओ, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मिले थे 4 लाख, इधर से पेड करते जाओ, क्रेडिटर को सर पेड किए थे, नहीं क्रेडिटर को किए थे, नहीं नहीं करें बिल्कुल, फिर क्रेडिटर को करें, कितने पेड किए हैं, 3 लाख बस, और किसी को दिए पैसे वैसे, 4 लाख, 4 लाख बाय बैलेंस सीडी कितने, 50,000, 50 ही बचे ना, अब ये 50,000 सीडी बच रहा है तो कहाँ चला जाएगा, हमारे नए वाले बैलेंस शीट के अंदर। मैं दोबारा काट के बता दूँ आपको, ये जो मैंने 50 लिखा है ये नहीं बचेगा, इसकी जगह पे कैश बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, यार ये ठीक है, अब क्लियर, ठीक है मैच करो भाई,
कर रहे हैं ना, 1,10,000 प्लस 4 लाख स्टॉक, स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 5,60 डेटर पे कोई प्रभाव था 10,70, और प्लस भैया 11,20 आना चाहिए है ना। और इधर देख लेते हैं क्या है हमारा, अरे इक्विटी शेयर तो भूल ही गए ना, कौन से वाला 3 लाख, तो इसमें 3 लाख जोड़ दो, 3 लाख जुड़ जाएगा, सबको जोड़ो 11,20 ही आएगा। ये मैंने इतना गंदा और इतना रफली करा है, आपको इसको नए वाले फॉर्मेट में करना है नोट के हिसाब से, समझ रहे हो ना, पूरा नीट एंड क्लीन। बस मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे 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 करना होता है। तो एग्जाम में देखो बैलेंस शीट बनाने में, और मैं मानता हूँ टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस वहीं पे माइनस प्लस करके दिखाना होगा। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, मैं बताता जाता हूँ। सर इक्विटी हमारा था 6 लाख, 4 लाख आए, 10 हुआ, 10 के बाद फिर कर दिया 2, तो बचे 2 इक्विटी, और 3 मैंने नए इक्विटी इशू किए थे, कहाँ किए थे सर, ये रहे, तो टोटल 5 लाख इक्विटी हो गया, 3 और 2 5। सर प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो गया, डिबेंचर को मैंने खत्म ही कर दिया, 0 कर दिया, नहीं डिबेंचर को 6 लाख कर दिया नए वाला देके, इंटरेस्ट खत्म हो गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक अकाउंट के थ्रू हमने यहां से खत्म कर दिया, 0 हो गया, क्रेडिटर भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, इक्विटी शेयर वगैरह दे दिया हमने, गुडविल 0 बोल दिया, अदर एसेट्स 5 लाख रुपए से हमारा कम हो गया, तो 1,10 का बच गया, इन्वेंट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ट्रेड के साथ प्रीमरी एक्सपेंस 0 हो गया, और कैश का बैलेंस 50,000, इसको जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया। अब देख लीजिए आपका कोई डाउट है तो।